वहाँ पे अप्रिसिएशन प्रॉपर्टी किस तरह नहीं होती, जैसे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि आपको 1 लाख की चीज़ लिया तो 2 लाख की आप अपनी फैमिली भी ले जा सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो एक लग्जरी लाइफ है वो आपको मिलती है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ भी मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप लोग दुबई में शिफ्ट होना चाहते हैं आप, तो वो डिपेंड करता है आपके पास वर्क कितनी है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक हुसैन आपका होस्ट। पिछला हमने पार्ट वन किया था दुबई प्रॉपर्टी के ऊपर, हमारे साथ साहिल साहब थे जो कि अल्फा ट्रेडिंग कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर हैं। वहां पे दुबई के अंदर हम किस तरीके से मूव हो सकते हैं पाकिस्तान से लोग, और वहाँ पर जाके किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से वीज़ा ले सकते हैं। आज हम वेलकम कहते हैं दोबारा साहिल साहब का, वेलकम जी साहिल साहब। तो पिछले दफ़ा हम बात कर रहे थे, हमने अपने एक ओवरव्यू दिया था प्रॉपर्टी का कि वहाँ पर मैं रैपअप कर देता हूँ। इन्होंने फरमाया था कि वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है उसका काफ़ी ज़्यादा बूम है। कोविड के बाद 2020 के बाद आज 20 जुलाई 2021 में हम बैठे हुए हैं, जो 1 मिलियन की प्रॉपर्टी थी वो 1.6 तक गई है, यानी कि 1.5 गुना हुई है। पाकिस्तान के हवाले से कंपैरिजन में बता रहे थे कि यहाँ पे बूम तेज़ी से आता है और तेज़ी से रेट्स जो हैं ऊपर जाते हैं, वहाँ पर कंसिस्टेंट रेट बढ़ते रहते हैं। वहाँ पर जो प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं वो सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि वो उन्होंने रेंटल यील्ड के लिए लेनी होती है, और वो फरमा रहे थे कि इंडियन लोग जो हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वहाँ पे खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं एक प्रॉपर्टी, क्योंकि वो एक दुबई जन्नत है। आज हम इनसे पूछे हैं कि पाकिस्तान से जो बिजनेसमैन हैं, जो नौजवान हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो नौकरी पेशा हैं, वो किस तरीके से दुबई मूव हो सकते हैं। जी साहब साहब मुझे बताइएगा ज़रा कि कितनी इन्वेस्टमेंट हो वो अल्फा ट्रेडिंग से आकर रब्ता करें, या आपका टेलीफोन हम दे देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में, लोग आपसे मजीद मालूम लेना चाहें तो उसके साथ दे सकते हैं। पिछले वीडियो में कहा था कि मिनिमम जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेस पे दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं तो 1 मिलियन मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो आपको 1 मिलियन की एक ही प्रॉपर्टी में 1 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप एलिजिबल हैं 3 ईयर्स रेजिडेंट वीज़ा के, क्योंकि आपने 1 मिलियन की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था अक्सर दुबई में। अगर आप किसी और बिज़नेस में वहाँ जाना चाहते हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आप किसी जॉब के लिए आना चाहते हैं, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दुबई वार्मली वेलकम करता है। और फीस इज टू मच डाउन राइट नाउ, और लाइसेंस की फ़ीस बहुत कम है आजकल, और उसके अलावा आप बिज़नेस करें वहाँ आकर, अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करें, जॉब करें, कुछ भी करें, आप फिर मिनिमम प्रॉपर्टी जो है 200,000, 250,000, 300,000 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। उसमें आपकी जो इनकम है, अगर आप उस इनकम की एवेल्यूएशन करवाएंगे तो बैंक आपको मैक्सिमम 80% तक मॉर्गेज भी दे देगा, वो आप री इन्वेस्ट किसी और जगह भी कर सकते हैं और मंथली आप उसको पे कर सकते हैं बैंक को। वहाँ पे मार्कअप रेट क्या चलते हैं दुबई में? मार्कअप रेट मिनिमम होता है 2.5, 2.75%, 3%, 3.75%। यानी जैसे हम सुनते हैं कि इंग्लैंड में, अमेरिका में मार्कअप बहुत कम है, बहुत कम, दुबई में भी कम है। और ये दुबई के अंदर जो है, ये हम क्योंकि पाकिस्तानी लोग हैं, जेन में सवाल आता है ये सऊदी कारोबार है या इस्लामिक बैंकिंग है, ये क्या है? हाँ, दुबई में दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, मोस्टली इस्लामिक बैंकिंग है, वहाँ पे इस्लामिक कंट्री है, आप वो फॉलो करते हैं, तो दुबई में बहुत दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, इस्लामिक भी अवेलेबल है, कन्वेंशनल भी अवेलेबल है, सब कुछ हम कर सकते हैं। और बैंक्स जो हैं पाकिस्तानी ब्रांचें भी कभी देखी हैं आपने, नेशनल बैंक? जी बिल्कुल, वहाँ पे मतलब मिनिमम होती हैं 1 से 2 ब्रांचेस होती हैं, एक्सपेल की भी है, यूबीएल भी है वहाँ पे, और एक दो और। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी ने जाना है तो उसका एक पूरा, जैसे हम एक पेपर की तैयारी करते हैं, पूरी इनसे इंफॉर्मेशन लें, आप यहाँ पर अकाउंट खुलाएँ। आप अगर यूबीएल के अकाउंट होल्डर हैं तो आप कार्ड हासिल करें, क्योंकि मैं मिसाल देता हूँ, मेरा एक बैंक में अकाउंट है, मुझे पिछले दिनों मैसेज आया कि आप डेबिट कार्ड बनवाएं जो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन होगी, जिसकी आप दुबई में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, यूएस में चले जाएं, आपका वहीं पे भी चलेगा। आप दुबई इस्लामिक बैंक है मेरे ख्याल से, उसकी उधर भी ब्रांचें, क्योंकि वो मेजर बैंक है, तो मेजर बैंक है, उसकी पाकिस्तान में भी ब्रांचें हैं, बाकी मुल्कों में भी हैं, धीरे आप उसमें अकाउंट खुलाएं, अपना अकाउंट जो है वो आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, पैसे आपको ट्रांसफ़र करने में आसानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो रेमिटेंस है ना उसका मसला है, यहाँ पेपाल वगैरह नहीं है, बाइनियर इस तरीके की कंपनियाँ आने वाले दिनों में आ जाएंगी। तो ये मॉर्गेज जो आप करवाते हैं और 80% कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर 20,000 रुपये है तो 80,000 रुपये बैंक देगा, वो 1 लाख रुपये हो जाएगा, 1 लाख उससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और वो जो है मॉर्गेज जो कितने, यानी देर की, 20 साल की होती है, 10 साल की? वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, और 10 to 25 ईयर्स वो। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है ना कि अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से बंदा गया तो वो 3 साल का उसके पास वीज़ा है, तो बैंक तो उसको कहेगा कि भाई जान आप
किसी वक्त भी जा सकते हैं आपको, हम कैसे करें? नहीं, ऐसा नहीं होता, बैंक की जो जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक के नाम पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे 3 ईयर से ज़्यादा तो वीज़े के कंसेप्ट ही नहीं है ना, तो वो तो आप हर चीज़ पर इतराज तरह हो सकते हैं, तो आप वो देखते हैं कि आपकी इनकम क्या है, आपकी जो जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है, तो उस पर बैंक। यानी वो जो आपने शुरू में बताया था कि 1 मिलियन लेके जाने पाकिस्तान से, आपने जो प्रॉपर्टी वो खरीदी है तो वो प्लज करवा के आपने, वो प्लज मॉर्गेज उसी को, मतलब आप जो प्रॉपर्टी आपकी आपकी है 50,000 दिरहम आपकी मंथली इनकम है, तो आप बैंक के पास जाएंगे, मेरी 50,000 इनकम मेरी मंथली इनकम है ये। मैं थोड़ा सा मैंने लाइटर मोड पूछे थे साहिल साहब से, साहिल साहब आपको 2.5 साल हो गए, तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं जी, बिल्कुल हमने नहीं की, हमारा तो ज़्यादातर इंटरेस्ट पाकिस्तान में है और इधर ही कोशिश करते हैं। ये कंपैरिजन है जो मैं लेके आ रहा था, क्या आपको लगता है कि आप दुबई में करेंगे तो स्टक हो जाएंगे और पाकिस्तान में करेंगे तो जल्दी नफा मिलेगा? जल्दी नफा की बात नहीं, मतलब हमें अभी तो इतना टाइम नहीं हुआ कि हम दुबई में इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है अवेलेबल। उसके अलावा पाकिस्तान में ये था कि हम अभी खुद इधर से, हमारे रूट्स इधर है, तो हमारा ज़्यादा देर वहाँ पर रहने का प्लान नहीं है, तो हम इधर ही बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने किस एरिए से बिलोंग करता हूँ? मैं मुल्तान सिटी। तो मुल्तान सिटी के क्या पोजीशन है प्रॉपर्टी की? चलें, क्योंकि हमारे पूरी दुनिया के व्यूवर हैं मुल्तान से भी, मुझे कंस्ट्रक्शन के हवाले से आते रहते हैं, जी कंस्ट्रक्शन का बताएं कि कॉस्ट क्या है, तो वो तो मैं पाकिस्तान की आपको बता देता हूँ, लेकिन आप क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप फैमिली से रहते हैं, मुल्तान में प्रॉपर्टी की क्या पोजीशन है? मुल्तान में प्रॉपर्टी की भी बहुत अच्छी वैल्यू है, DHA तकरीबन 2015-16 से आई थिंक लॉन्च है, लेकिन अभी 2 साल से फुल बूम में है, इस साल तो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा पोजिशन हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है DHA में, स्पेशली सिटी हाउसिंग है मुल्तान में, उसमें फेज़ 1 उनका कंप्लीट हो चुका है, वो हैंडओवर भी हो रहा है। सिटी 2 है, सिटी 2 हमारे घर के थोड़ा पास है, वहाँ पर ज़्यादा मतलब आज से 5 साल के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा रुझान होगा, क्योंकि वहाँ के हॉस्पिटल जो मुल्तान के बड़े हैं, इस रीजन के बड़े हॉस्पिटल वो उसके पास हैं, तो वहाँ पर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, तो ये 2-3 मेजर हैं, बाकी छोटी जो छोटे डेवलपर्स हैं जैसे ड्रीम गार्डन वगैरह, वो अभी तक उनका सिर्फ केस चल रहा है, उसके कोई किसके साथ चल रहा है? वो बापनी के साथ, DHA के साथ, DHA एक्वायर करेगा या वो खुद करेगा? लेकिन रेट्स का फर्क है वापटाटाउन और DHA का? वापटाटाउन अगर 1-2 की बात करें तो उसका DHA से भी ज्यादा रेट है, पुराना। अगर वापटाटाउन 3 की बात करें तो लोगों ने 5 लाख मरला के हिसाब से भी लिया हुआ है और आजकल 1 लाख से भी नीचे आया हुआ। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चाहूंगी, मैं 2004-2005 में कैंट एरिया के अंदर मार्केटिंग मैनेजर था, एक टेक्सटाइल मिल के अंदर काम किया मैंने लगे मेरे साथ, डेट वॉज अ वेरी गोल्डन एरा मेरा। उस वक्त मुल्तान जो था वो एक बड़े गांव से कम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन साहिल साहब जो आज के मुल्तान की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म गिलानी वहाँ पर रहे हैं, वहाँ पर मेट्रो बस सर्विस, वहाँ पर अंडर पासिस, वहाँ पर जो ब्रांड्स हैं, लाहौर से साइका स्कूल जो है वो DHA में खुल चुका है, उसके बाद ये जितने वर्दा और ये ब्रीजे और ये जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं ये तमाम वहाँ पे हैं, होटल्स हैं, हॉलीडे उस वक्त भी था क्योंकि मैं वहाँ पे गेस्ट हाउस में रहता था, तो हमारा अक्सर आना जाना रहता था, और डेवो बस उस वक्त एक लग्जरी सफ़र था आज से कुछ 17 साल पहले, तो बाई एयर फोकर में किया हुआ जो कि चीखे भी निकलवा देता लोगों की, मुझे याद है एक दफ़ा हम जितनी मुझे आयतें आती थी मैंने सारी पढ़ ली थी बारिश के अंदर, वो जो था वो एयर पॉकेट्स वगैरह जब आती, अब वहाँ पर बड़े जहाज भी जाते हैं, अब तो मुल्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सबके वहीं से आते जाते हैं, और मुल्तान इज़ नॉट अ स्मॉल सिटी एनी मोर, उसमें अंडर पास फ्लाईओवर्स, मतलब आप नाम लें आपको हर चीज़ मुल्तान में मिलेगी, प्लीज पर्ल कॉन्टिनेंटल अगर कंस्ट्रक्शन है, उनका सिटी ऑलरेडी पर्ल सिटी के नाम पर उन्होंने बनाया है, वो हैंड ओवर हो चुका है, वो टोटली विलास थे सेम डिज़ाइन के, वो ऑलरेडी 2 साल से इस वक्त ये जितनी सोसाइटियाँ ओवरव्यू देने का मतलब ये था कि 15 सालों के अंदर बहुत सिनेरियो चेंज हो रहा है, आप हिसाब लगा लें कि आने वाले 15 सालों के अंदर तो बड़ी दूर की बात है, आने वाले सिर्फ 5 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है मुल्तान के अंदर वो दुगनी हो सकती है, दुगनी से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मैंने लास्ट हमने सॉरी मैंने आपकी बात की 2016-17 में हम एक प्लॉट ले रहे थे DHA में, उस वक्त एक फाइल एक कनाल की थी 2.1 मिलियन की, ऑलमोस्ट 21 लाख की रेट था उस वक्त, आज से 3-4 साल पहले की बात, और 3-4 साल के बाद आज वहीं 1 करोड़ प्लस
और जिनका मतलब बैलेटिंग वगैरह हो चुकी है, जो उनके मतलब अच्छे प्लॉट्स हैं वो 2 करोड़ को भी टच कर चुके हैं, जो नॉर्मल रेट है वो 1 करोड़ प्लस है, मतलब वो 5 टाइम जा चुकी है 3 से 4 साल। अच्छा ये मुझे बताएंगे, जो मुल्तान के अंदर लोग प्लॉट्स वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कौन है, लोकल लोग हैं, फॉरनर हैं, या कि बहावलपुर पूरा जैसे रीजन है उसमें? अच्छा, एक तो बहावलपुर में तो खुद डी एच ए है ऑलरेडी, जो मुल्तान है वो छोटे छोटे सिटीज को बहुत कनेक्ट करता है, थानेवाल, राजनपुर, डीजी खान, तो इस तरह के छोटे जो छोटे इजला हैं वो तो कनेक्ट हो जाता है, तो वहाँ से लोग एजुकेशन के लिए, बिजनेसेस के लिए मुल्तान शिफ्ट होते रहते हैं, तो उन लोगों की इन्वेस्टमेंट है। फिर ओवरसीज के लिए थोड़ा सा ये बताएं कि मुल्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप जैसे आज हमारे साथ मौका है, कौन सी प्रायोरिटी 5-6 सोसाइटी हैं जिसके अंदर आप क्या बता सकते? आज सबसे पहले तो डी एच ए है, फुल बूम में उनकी है, डेवलपमेंट है 100%। डी एच ए में एक नाल का इस वक्त प्लॉट जो है वो क्या रेट होगा? डिपेंड करता है, अभी भी आपको 7 मिलियन का भी मिल सकता है, आपको 1 करोड़ का भी मिल सकता है, फिर उन्होंने कुछ उनके गोल्फ जो प्लॉट्स हैं 2 कनाल के, वहाँ पे वो 2 करोड़, 2.5 करोड़ 1 कनाल का भी रखा हुआ है प्राइस, तो वो डिपेंड करता है आपको क्या लेना चाहते हैं, लेकिन अवेलेबल है 7 मिलियन से ऑनवर्ड आपको हर चीज़ अवेलेबल है। इसके बाद कौन सा नाम? उसके बाद सिटी हाउसिंग है, बिल्कुल पास है डी एच ए के, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। ये मैं अपने व्यूअर्स को बताता जाऊँ, ये जो साइटियाँ हैं ना, ये इसकी एक्सेस अब सी पैक लाहौर से बन गया, लाहौर के व्यूअर्स भी और रस्ते में जो शहर आते हैं तमाम को मैं बता दूँ कि हम अक्सर बताते रहते हैं लाहौर डी एच ए, मुल्तान डी एच ए, भुजरांवाला डी एच ए, बहावलपुर डी एच ए, इसके बाद क्वेटा डी एच ए। तो ये जो डी एच ए हैं जिसके अंदर लोग अक्सर हमसे पूछते हैं, इसमें टॉप पे तो लाहौर ही है नो डाउट, यही फ्यूचरिस्टिक है। उसके बाद हमारी हजवेरी बिल्डर की अपनी कैटेगरी जो, उसके अंदर मुल्तान डी एच ए है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके बाद आपका बहावलपुर डी एच ए आता है, देन गुजरांवाला है, गुजरांवाला में क्योंकि शनील काफ़ी है जी, पावर स्टेशन आ रहा है, ये हो रहा है, वहाँ पर अभी कुछ ऐसा नहीं। और क्वेटा से बचें क्योंकि क्वेटा में 45-50 लाख में फाइल जाके तो वापस इस वक्त हो गई हुई है, उस ट्रेंड को चल देने के उसके बाद करें, तो हम वापस जाते हैं साल साल। मुल्तान के आपको चारों तरफ सोसाइटीज मिलती हैं, और मुल्तान में खास बात इस वक्त ये है कि इंडस्ट्रियल रूट ऑलरेडी वर्किंग में है, मुल्तान को 3 इंटरचेंज लगते हैं सी पैक के जो मोटरवेज के हैं, आप लोग मुल्तान को बस लीव करें 2 किलोमीटर के बाद आपको हर साइड से इंटरचेंज मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट 3 इंटरचेंज हैं जो मुल्तान के लगते हैं उसमें। फिर उसके बाद नंबर 1 पे डी एच ए है, 2nd नंबर पे सिटी है, उसके बाद एक भुज विलास है जो आई थिंक लोकल है, उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो अगर दूसरे सिटीज में भी हैं तो उनकी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है और ऑलरेडी वो मतलब कि लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ऑलमोस्ट 50-60-70% जो है ऑक्यूपाइड है, फुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये इन सोसाइटीज़ की खास बात ये है कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी के पास है, BZU बहादुर जिक्र यूनिवर्सिटी जो है मुल्तान की, वो इस एरिया में बहुत से अजला से लोग पढ़ने आते हैं इस सिटीज़ में स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये जो सोसाइटीज़ हैं ये मैक्सिमम 1 किलोमीटर के रेडियस में अवेलेबल है। जब हमें बाकी चीज़ें मिल रही हैं तो हमें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है जब तक वो क्लियर नहीं हो रहा है। इसके बाद इनका कैंट एरिया भी तो आता है। हाँ जी, कैंट एरिया पहले बहुत ज़्यादा था, अब जो ओवरटेक किया है वो गुलगस्त एरिया ने किया है, गुलगस्त है मुल्तान में, बोसन रोड पर जिस रोड पर यूनिवर्सिटी है उसी रोड पर 3 से 4 अच्छी सोसाइटीज़ है, DHA भी उधर है, और उसके अलावा जो तमाम ब्रांड्स हैं आप लोग मुल्तान विजिट करें कभी भी तो आपको ऐसा लगेगा लाहौर में है। ये जो बस चलती है ये DHA का है, तो इसका ये DHA से 1 किलोमीटर पहले BZU के बिल्कुल गेट के ऊपर आते हैं। अब आ जाते हैं हम बहावलपुर DHA की तरफ, उसकी कभी कोई सोचा आपने इन्वेस्टमेंट करने का? दुबई में सोचा था, उस वक्त प्राइस बहुत नीचे थी, उसके बाद अब उसमें थोड़ा सा वर्क स्टार्ट हुआ है, प्राइस थोड़ी ऊपर गई हैं, लेकिन उसमें जो हमें बस बातें ज़्यादा होती हैं लोगों की, हर तरह की अपनी सोच होती है, उसमें कुछ लोगों के इशूज़ थे बस उसमें, उस वजह से फिर उस वजह से नहीं थे। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं दोबारा दुबई की तरफ, क्योंकि दुबई में आपने एक को बता दिया, तो क्या आप लोगों के पास जो इन्वेस्टर आते हैं वो शारजा, उमुल कुमीन, रसूल खैमा और फजेरा और ये जो है शारजा, यहाँ में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं? हम लोग सिर्फ दुबई देखते हैं, उसमें हमारे पास इनफ काम होता है, उससे हमें बिल्कुल नहीं टाइम मिलता, तो जो हमें कुछ कस्टमर्स आते हैं वो मतलब आते हैं 5% मैक्सिमम आते हैं लोग, तो हम आगे रिकमेंड करते हैं, रेफर कर देते हैं, हम लोग कुछ डील नहीं करते। ये जो मैं बताता हूँ रिव्यू के लिए, ये UAE जो है 7 रियासतें हैं,
सात रियासतों का मजमुआ और इनका दारुल हुकूमत जो है वो अबू धाबी है। तो अबू धाबी में भी इन्वेस्टमेंट का है या ऑफिसेज वगैरह ही बस वहाँ? नहीं, अबू धाबी में भी फ्री होल्ड स्टार्ट है, वहाँ भी आप लोग 100% ऑनरशिप को बाय कर सकते हैं। तो दुबई में जी साहिल साहब ने हमें पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि इनका ऑफिस जो है ये बुर्ज खलीफा वाली साइड के पास है उसके, और ये डाउनटाउन की तरफ आ जाता है, और ये ओल्ड सिटी को भी डील करते हैं, न्यू को भी करते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टी आप बाई कर सकते हैं। आप आपकी वेबसाइट भी तो बनी है? जी, हमारी इसी अल्फा के नाम से ही वेबसाइट है हमारी। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपके पास 1 मिलियन अंदर हम है मिनिमम, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। आपको जो उसका जो ईयरली जो रिटर्न है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं इतना दुबई में है, जो आपको रिटर्न जो रेंटल इनकम मिलती है। लेकिन अगर आप वहाँ बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और आप फिर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो 200-300,000 बिल्कुल आप इन्वेस्ट करें। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड अप करता चलूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत सी देखनी पड़ती हैं। साल साहब जैसे फरमा रहे हैं, ये क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर हैं, मैं आपको अपने व्यूवर्स को बताऊँ कि हमने ये भी देखना होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरह पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ आबादी को हम टच कर रहे हैं इस वक्त। आप ये देखें कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान अभी बात हुई और एक कोई शहर और ले लें, यहाँ पे स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज मौजूद हैं। बाकी आप किसी भी शहर में चले जाएं, अगर लोगों के पास प्लाजे हैं वो चंद हैं, मार्केटें हैं चंद लोग हैं, बाहर का फॉरन पैसा है वो कम है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। यहाँ पे मसाइल हैं, बीमारियाँ हैं। वहाँ पे अगर आपने 1 लाख की चीज़ लिया तो उसको रेंट कर दें, वो आपकी 5-6 साल के बाद वो आपका रिटर्न दे देगी, आपको प्रॉपर्टी आपकी पैसे वापस कर चुकी है, तो आप उसको सेल करें, दोबारा रेंट करें तो आपको प्रॉपर्टी। यानी आप मोटे लफ्जों में समझें कि दुबई एक ब्रांड है, यानी कि एक जैसे पाकिस्तान के अंदर बाटा है, सर्विस है, एक ब्रांड आप ले रहे हैं, उसकी आपको लग्जरी लाइफ स्टाइल आप खुद भी मूव कर सकते हैं, उसकी आपको रेंटल यील्ड बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान के अंदर मसले मसाइल हैं, यहाँ पे जो सेफेस्ट हेवन है वो सिर्फ DHA है, जो कि क्लेम करता है कि आप प्लॉट ले लो 100 साल बाद भी वहीं पर पड़ेगा। बाकी जितनी भी सोसाइटियाँ हैं वहाँ के ऊपर, चाहे बैरिया हो कोई भी हो, लोगों के प्लाजे कराए गए थे, इलीगल ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है इन लोगों ने, और वहाँ पे कभी प्रेस क्लब के सामने आते कभी कहाँ पे होता। तो ये आज का थोड़ा सा रैप अप था ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस बने, आपको बाहर का ओवरव्यू दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आपका कोई ख़ास स्पेसिफिक क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, साहिल साहब का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने दुबई में मूव करना हो, आपको दुबई की प्रॉपर्टी के मुताबिक पता करना हो, क्योंकि इनकी रूट्स पाकिस्तान में हैं, ये अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते हैं, उन्होंने क्लियर कट बताया है, लेकिन जो लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं, उनके लिए मैं रैप अप कर दूँ कि 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो तो 3 साल का आपको वीज़ा मिल जाएगा। नो डाउट पिछले 2 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर क्राइसिस रहे हैं, सऊदीया से लोग पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, दुबई के अंदर कुछ मसले मसाए रहे हैं, लेकिन जब ये चलेंगे तो सबसे पहले इन मुल्कों में चलेंगे। हमारे मुल्कों के अंदर चलने में अभी इसको बहुत देर लगेगी, हमारे स्कूल बंद हैं, अस्पताल बंद हैं, हमारी यूनिवर्सिटी बंद है, हमारे कारोबार बंद है, अब ये गाड़ी चलने में बहुत टाइम लगेगा, लोगों का जो नुकसान हो गया है पूरा नहीं, लेकिन वहाँ पे जल्दी रिवाइव कर लेंगे। तो ये मोटे मोटे पॉइंट हैं, इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह साहिल साहब से भी आप रब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ कर सकते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो। कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं दोबारा आपसे कहूँगा कि आप पेज को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान के अंदर आपने किसी भी एरिया में कंस्ट्रक्शन करवानी हो, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग और इंटीरियर करवाना हो, उसका आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।